नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होती। दुनिया भर में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान किया है। ऐसी ही एक बच्ची है अल माहा राशिद अल महेरी, जिसने महज 3 साल की उम्र में ऐसा काम किया है कि वो लोगों की जुबा पर नाम उनका छा चुका है। आज ये बच्ची अपने हुनर की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। अल माहा राशिद ने बच्चों पर 2 कहानी लिखकर प्रकाशित की है, जिसका नाम द फ्लॉबर और हनी भी है। वहीं अलमाहा की लिखी दोनों किताबों ने इतिहास रच दिया है। महज 24 घंटे के अंदर उनकी किताबों की करीब 1000 से ज्यादा कॉपी बिकी है। इसके साथ ही उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। इसके बाद अलमाहा दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रकाशित लेखिका बन गई है। जानकारी के मुताबिक अलमाहा के पेंटिंग और कहानी कहने का तरीका काफी अलग है। इस काम के लिए उनमें काफी जुनून था, यही वजह है कि उसका नाम उसे आज इस मुकाम पर ले आया। उसने बच्चों के लिए सुंदर जीवंत चित्रों के साथ कल्पनाशील कहानियां लिखना सीखा। अलमाहा ने अपनी दोनों कहानियों में समाज के लिए संदेश भी दिया है। उसकी कहानियां पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताने की कोशिश करती है। अलमाहा की माँ का कहना है कि उनकी बेटी अपनी उम्र के बच्चों में पर्यावरण संरक्षण को बताना चाहती थी। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने दुबई में COP28 का दौरा किया था। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अलमाहा में पर्यावरण थीम वाली कहानियों को लेकर काफी समझ है, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। माँ ने कहा कि अलमाहा की इच्छा शक्ति, उसकी प्रतिभा और उसके आत्मविश्वास ने ही अलमाहा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश करने को कहा। वैसे आपको बता दें कि परिवार में अलमाहा अकेली नहीं है। जिनके अंदर काबिलियत है, उनकी बड़ी बहन अलधाबी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। अलधाबी ने 7 साल और 360 दिन की उम्र में एक द्विभाषी पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके बाद वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई थी।